कच्चा बादाम गाने के सिंगर भुवन बादियाकर पर पैसों की रंगत चढ़ने लगी है। भुवन साफ कह चुके हैं अब वो मूंगफली नहीं बेचेंगे, वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अब वो सिंगिंग में अपना करियर बनाएंगे। इस बीच भुवन ने एक और ऐसा काम कर डाला है जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। दरअसल भुवन ने अब राजनीति में कदम रख दिया है। जी हाँ, भुवन ने पश्चिम बंगाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और अब उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच भुवन ने बालूरघाट में टीएमसी कैंडिडेट महेश पारिक के लिए न सिर्फ रैली की बल्कि खुली जीप में उनके लिए वोट भी मांगे। भुवन का बदला हुआ रूप देखकर हर कोई दंग रह गया है। दरअसल हर कोई भुवन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने पर लगा हुआ है। भुवन ना तो इतना पढ़े लिखे हैं और ना ही उन्हें इतनी दुनियादारी की समझ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर रोज सिनेमा जगत से जुड़ी नई नई खबरें देखने को मिलती रहें।